नजर डालेंगे बांदीकुई की कुछ खास खबरों की ओर, जहां पर बांदीकुई में सैनी आदर्श स्नातकोत्तर विद्यालय में किया गया वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन, दिया गया जन संदेश। कार्यक्रम के अतिथि बांदीकुई पुलिस उपाधीक्षक उदय सिंह एवं बांदीकुई थाना अधिकारी नरेश कुमार शर्मा के द्वारा पौधे लगाए गए। प्रबंध समिति सैनी शिक्षण संस्थान बांदीकुई के अध्यक्ष मुकेश चंद सैनी ने बताया कि जीवन में हर व्यक्ति को पौधे जरूर लगाने चाहिए। पौधे लगाने से वातावरण शुद्ध होता है और बारिश अच्छी होती है। नमस्कार, मैं आरबी सैनी आपको लेकर आए हैं बांदीकुई के सैनी कॉलेज में। यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता और वातावरण के लिए पेड़ लगाए गए हैं और एक नया संदेश दिया गया है। तो आइए, यहाँ के अध्यक्ष महोदय भी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ में विद्यालय के स्टाफ भी मौजूद हैं, तो हम बात करते हैं और क्या संदेश है इनका लोगों के लिए वो भी हम पता करते हैं। तो नमस्कार अध्यक्ष साहब। नमस्कार जी। तो आज यहाँ पे जो पेड़ लगाए गए हैं उसमें कितने पेड़ लगाए गए हैं? करीब 151 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है और कम से कम 100 पेड़ तो लगा चुके हैं, आगामी समय में और लगा दिए जाएंगे। तो विद्यालय प्रांगण में लगाए गए हैं? विद्यालय प्रांगण में लगाए हैं पूरे जी। तो अध्यक्ष साहब, जो आपके जैसे विद्यार्थियों को भी एक संदेश गया है कि पेड़ लगाने से क्या फायदे हैं, उसके अलावा जो भी जनता को हमारे दर्शकों के लिए जो संदेश है आपका वो बताएं। पेड़ लगाने से एक तो वातावरण सही रहता है, पेड़ लगाने से हरियाली बनी रहती है, पेड़ पौधे से शुद्ध वातावरण बना रहता है। तो अध्यक्ष साहब का जो संदेश था वो हमने आपको बताया। अभी हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल सर भी मौजूद हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मानसून में भी बदलाव आ रहे हैं, पेड़ों की कटाई भी अंधाधुंध की जा रही है। तो अभी हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल सर भी मौजूद हैं। तो सर, जो कि ये पेड़ों की कटाई है, इसके बारे में जो कि लोगों के लिए संदेश आपके होते हैं। हमारे पर्यावरण को संतुलन एवं पर्यावरण का जो भी है, पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के संरक्षण के लिए हमें पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और एक पेड़ कहते हैं कि 100 पुत्र के समान होता है, तो हर व्यक्ति को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए और पेड़ लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण भी करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। जी, आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर शंकरलाल सैनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आपने, प्राकृतिक सुंदरता के लिए पेड़ लगाए जाना जरूरी है और उसके साथ में वातावरण में भी काफ़ी जो कि अनुकूल होता है लोगों के लिए। और आप देख रहे हो मौसम में परिवर्तन काफ़ी सारा हो चुका है और पेड़ों की कटाई भी अंधाधुंध लोग कर रहे हैं, ऐसा ना करें हमारा भी आपके लिए यही संदेश है। कैमरा